Hello everyone, I am Dr. Janvi Chauhan, Honorary Faculty of Physics from Institute for Excellence in Higher Education, Bhopal. I am here with an introductory lecture on classical mechanics. We will be starting with the Newtonian mechanics of single and many particle systems. And later on, we'll deal with conservation laws. After going through this presentation, you will be able to solve problems based on equations of motions, also conservation laws for single and many particle systems. Classical means before 20th century. Classical physics is the foundation of this macroscopic world. All the basic theories of this macroscopic world is explained by Newtonian, Boltzmann and thermodynamics. We all know that we will be dealing with low speed and large atomic size. Newton, Hamilton and Lagrange, these are the three main theories of Newton, Hamilton and Lagrange, which almost deals all the classical mechanics. Mechanics deals with the two main things. First, how the object moves under the given force, and second, it does not deal with the source of the force. मतलब classical mechanics में हम ये बात तो करते हैं कि आपका कोई भी object है वो किस तरीके से move कर रहा है जब हम कोई force उस पर apply करते हैं, but it does not deal कि वो force आपके पास कहाँ से आ रहा है, मतलब उस source का origin क्या है, ठीक है? यहाँ पे दिखाया गया है कि स्पीड्स जो होती है स्पीड ऑफ लाइट से बहुत छोटी होती है जब हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना को पढ़ते हैं. दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली आपकी जो साइज होता है वो 10⁻⁹ मीटर से ज्यादा होता है, ठीक है? नाउ इन दिस मैक्रोस्कोपिक सिस्टम जब हम बात करते हैं किसी मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की, तो जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम से आप समझते हो वो उसमें बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब बड़े साइज के एंड अमाउंट में ज्यादा. इन एनी मल्टीपार्टिकल सिस्टम, किसी भी हम मल्टीपार्टिकल सिस्टम की जब बात करते हैं तो मैकेनिकल क्वांटिटीज, हर मैकेनिकल क्वांटिटी उसके स्टेट के बारे में कुछ ना कुछ बताता है, और वो दो पार्ट्स में होता है. कि जो भी इंफॉर्मेशन कोई भी किसी भी तरह का, मतलब आप किसी भी मल्टी पार्टिकल सिस्टम की को ले लीजिए, जैसे कि एक बॉक्स ले लीजिए उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उसकी मैकेनिकल क्वांटिटीज जो भी होंगी, जैसे हम उनका वेट, उनकी डेंसिटी या जिस भी बारे में स्टडी करेंगे, वो सब उसके स्टेट के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देंगे. ये जो इंफॉर्मेशन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है. फर्स्ट, इन विच सिस्टम इज स्टेटेड. जब हम सिस्टम को एक सिंगल पार्टिकल समझेंगे तो टोटल उसका मास जो होगा वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेंगे, उस समय उस पॉइंट को बोला जाएगा सेंटर ऑफ मास. दूसरा पार्ट हमें क्या बताएगा, इंटरनल मोशन के बारे में उस सिस्टम की. जब हम किसी एक पॉइंट पे ऑब्जर्वर को मान लेते हैं और टोटल मास जिस भी पॉइंट पर है उसको देखते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट. तो मान लीजिए कि आपके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है? n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, सबका मास m1, m2, m3 है, सब अपन टोटल मास mi मान लेते हैं, ठीक है? और ri उनकी पर्टिकुलर प्लेस पे वो लोकेटेड है. तो जिस पॉइंट से आप इस सब पूरे प्रोसेस को देखेंगे वो पॉइंट हो जाता है आपका सेंटर ऑफ मास. ये टोटल मास हम कॉन्सेंट्रेटेड जिस पॉइंट पर मानेंगे वो पॉइंट हो जाता है आपका सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास ऑफ सिंगल पार्टिकल सिस्टम, मतलब एक जैसे पार्टिकल है उनको हम केवल क्या मान रहे हैं, एक पार्टिकल मान रहे हैं. वो क्या होगा, RCM, that is 1 upon m, m is the total mass, summation of mi ri, this is the center of mass.
ना, ये हमें पता है कि न्यूटन के थ्री मेन लॉज हैं जो कि आप सबको मालूम होगा। फर्स्ट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड इज लॉ ऑफ फोर्स एंड थर्ड इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं पॉइंट मास पे। ठीक है, क्योंकि आपको मैकेनिक्स किसकी पढ़ना है, दोनों की पढ़ना है, सिस्टम ऑफ सॉरी सिंगल पार्टिकल की एज वेल एज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। व्हेन वी विल बी फोकसिंग ऑन द पॉइंट मास और पार्टिकल विच इज वेरी यूजफुल, किस केसेस में होगा, जैसे आप इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन ऑफ मोशन या स्टेट के बारे में या मैकेनिक्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन की, ये सिंगल पार्टिकल्स है, उस केस में ये थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटर ऑन हम बात करेंगे बॉडीज एज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स या कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जिनमें होगा। इन सच केसेस जो हम लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो जो थ्री मेन लॉज यहाँ पे बताए गए हैं, पहला क्या होता है, जब हम किसी पार्टिकल पर फोर्स नहीं लगाते हैं तो वो अगर मूव कर रहा है तो वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, और अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट करता रहेगा, और इस लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड इज फोर्स लॉ, या जब आप किसी पार्टिकल एम मास है उस पर एफ फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो एम टाइम्स पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। थर्ड इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ, दैट इज हर एक्शन का अपोजिट और इक्वल रिएक्शन होता है। ठीक है, सो दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ। अब हमने ये देखा, आपने लॉ ऑफ इनर्शिया और फोर्स लॉ दोनों पढ़े हैं। फोर्स क्या करता है, चेंज इन मोमेंटम करता है। फोर्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा दैट मीन्स कुछ ना कुछ मोमेंटम उसमें उसके मोमेंटम में चेंज आएगा। ठीक है, कन्वर्सली अगर हम मोमेंटम में चेंज लगाएं, इसका मतलब क्या होगा कि उस पार्टिकल पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएं, कन्वर्सली हम बोल सकते हैं। अब न्यूटन का फर्स्ट जो दो लॉ है वो सिंगल पार्टिकल की मैकेनिक्स को एक्सप्लेन करते हैं, और दोनों लॉ इक्विवेलेंट है। आप जैसा कि इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि हमने एफ इज इक्वल टू एम ए लिया, अगर फोर्स हमारा जीरो है तो एम ए भी जीरो हो जाएगा, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, सेकेंड लॉ को हम क्या लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू एम वी भी लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू एम वी डॉट मतलब एम ए मतलब एफ बराबर फोर्स बराबर मोमेंटम हो गया। तो अगर हमारा फोर्स जीरो है तो हमारा मोमेंटम जीरो होगा, जो कि हमारा फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर किसी बॉडी पे आप फोर्स नहीं लगाते हैं तो वो अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगा, और यदि वो मोशन कर रहा है तो वो मोशन करता रहेगा। न्यूटन सेकेंड लॉ को इक्वेशन ऑफ मोशन लॉ भी बोला जाता है। लाइकवाइज फर्स्ट लॉ को इनर्शियल बोलते हैं एंड थर्ड को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोला जाता है। अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ की। हमने दो लॉज पढ़ लिए, नेक्स्ट थर्ड लॉ, टॉकिंग अबाउट द थर्ड लॉ दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। वी नीड एटलीस्ट, उस केस में हमें एटलीस्ट वी नीड एटलीस्ट टू पार्टिकल या उससे भी ज्यादा, एंड इट इज एप्लीकेबल ऑन अ सिस्टम ऑफ मैनी पार्टिकल्स। दो पार्टिकल क्यों, एटलीस्ट दो पार्टिकल क्यों चाहिए हमें, फर्स्ट फर्स्ट पार्टिकल जो कि एक्सेलरेट होगा, एंड सेकेंड द पार्टिकल गिविंग सम फोर्स जिसके कारण कि पहला पार्टिकल एक्सेलरेट होगा। इस तरीके से हमें दो पार्टिकल की रिक्वायरमेंट होती है। इन ऑर्डर टू, यहाँ पे दिया हुआ है कि फोर्स, इफ पार्टिकल वन एग्जर्ट्स अ फोर्स टू वन ऑन पार्टिकल टू, तो पार्टिकल भी एक्शन रिएक्शन फोर्स उस पर अप्लाई करेगा सेम, और वो दोनों फोर्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो टोटल फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। नाउ इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब अ फ्री पार्टिकल प्रॉपर्टीज, जब हमें फ्री पार्टिकल प्रॉपर्टी या सिंगल पार्टिकल की प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है, मतलब वो पार्टिकल जिस पर कोई फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं,
तो हमें एक रेफरेंस फ्रेम की रिक्वायरमेंट होती है. वी नीड सम रेफरेंस फ्रेम थ्रू विच दोज पार्टिकल्स आर स्टडी. रेफरेंस फ्रेम मस्ट सेटिस्फाई सम स्पेसिफिक कंडीशंस. मतलब रेफरेंस फ्रेम से आप क्या समझते हैं, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें सारे न्यूटन्स के लॉ या तीनों जो हमने पढ़े हैं वो वैलिड हों. पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ मोशन मस्ट नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट एंड इट्स ओरिएंटेशन. ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट, ये आप इक्वेशन से कितना देख सकते हैं कि वो किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड नहीं होते इक्वेशन ऑफ मोशन जिस फ्रेम में, और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिएंटेशन पे डिपेंड ना करे अगर इक्वेशन ऑफ मोशन, उस फ्रेम को हम बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम. नाउ अब हम डील करते हैं सिंगल पार्टिकल की एक्चुअल क्या मैकेनिक्स होती है. तो जब हमें सिंगल पार्टिकल मैकेनिक्स पढ़ना है, इन स्टडिंग द मैकेनिक्स ऑफ अ सिंगल पार्टिकल वी नीड टू नो सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पार्टिकल, दैट इज इट्स पोजिशन, इट्स वेलोसिटी, इट्स एक्सेलरेशन एंड इट्स मोमेंटम. वो इस तरीके से दी हुई है यहाँ टाइम के साथ, आर टी, वी टी, ए टी एंड पी टी. वी स्टडी हमें ये पढ़ा है कि न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ है प्रोवाइड्स द इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज सिंपली द इक्वेशन दैट नीड्स टू बी सॉल्व टू फाइंड द पोजिशन ऑफ द हाँ ओके न्यूटन्स का सेकेंड लॉ होता है, बस केवल हम अगर उसको सॉल्व कर देते हैं तो वी कैन गेट द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. हियर इट इज शोन जो एफ आपका निकल के आ रहा है वो पोजिशनल डिपेंडेंट. नाउ कमिंग टू कंजर्वेशन लॉस. अब ये तो हमने सिंगल पार्टिकल की मैकेनिक्स देख ली, उसमें क्या इम्पोर्टेंट उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पता पड़ गई. अब हम कंजर्वेशन लॉस के बारे में पढ़ेंगे, ये भी हम सिंगल पार्टिकल के पढ़ेंगे. ओके तो बहुत सारे कंजर्वेशन लॉस मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं जो कि डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. ये कंजर्वेशन लॉस जो होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं किसी भी मैकेनिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करें. तो फर्स्ट इज सबसे पहला हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम मतलब पार्टिकल लीनियरली मूव कर रहा है, उसमें उसके पोजीशन में क्या चेंज आया या उसके मोमेंटम में क्या चेंज आया, दैट इज लीनियर मोमेंटम. सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. नेक्स्ट कम्स कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो की डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क. टॉर्क मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एंड थर्ड इज टोटल एनर्जी कंजर्वेशन. तो टोटल एनर्जी क्या होती है हमारी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी मतलब पोजीशन बेस्ड एनर्जी, पोटेंशियल सॉरी ओके नो काइनेटिक एनर्जी मींस मूविंग, जब मूव कर रहा है तब जो एनर्जी होगी. पोटेंशियल मींस उसके पोजीशन बेस्ड. तो पोटेंशियल एनर्जी का ऐसे एब्सोल्युटली कोई मीनिंग नहीं होता है, वो मीनिंगलेस होती है जब तक हम की डिफरेंस के बारे में बात ना करें. जैसे कि न्यूटन का पहला लॉ बताता है कि पार्टिकल रेस्ट रहेगा अगर हम उसे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे. तो सेम इसका है, सेम जब जब तक आप कोई फिजिकली डिफरेंस की बात नहीं करेंगे पोजिशनल या पोटेंशियल एनर्जी के, तब तक उसका फिजिकल कोई मीनिंग नहीं होगा. अब हमने अभी तक हमने अब हम एक पोटेंशियल एनर्जी कर्व लेंगे जिसके थ्रू हम द पोजिशन ऑफ पार्टिकल स्टडी करेंगे. सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं एक पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाया गया है. सिंस जो हमारी टोटल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का सम होती है. ओके
सो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होती है। अब आप यहाँ देख सकते हो कोई भी पार्टिकल जो लास्ट एनर्जी है E0 उसके नीचे एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे लास्ट एनर्जी इतनी ही है, बट इसके ऊपर एनर्जी है। तो और E1 E1 पार्टिकल है वो कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर सकता है? E1 पार्टिकल इन दोनों XA एंड XB के बीच में, ठीक है। लास्ट इज E4 के अबाव, मतलब E4 जो है यहाँ पे पार्टिकल किसी भी जगह पर एग्जिस्ट हो सकता है। अगेन सेंटर ऑफ मास। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैनी पार्टिकल सिस्टम। ओके, मैनी पार्टिकल सिस्टम मतलब एक से ज्यादा पार्टिकल होंगे आपके सिस्टम में। तो सबसे पहले हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा, ठीक है, द पॉइंट जिस पर आप पूरे बॉडी का मास या पूरे सिस्टम का मास कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, या हर पार्टिकल के मास को हम जब एक किसी पॉइंट पे लेंगे तो उसे हम सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। एंगुलर मोमेंटम इज टेकन इनटू टू कंपोनेंट्स। पहला होता है एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास अबाउट ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि होता है मस्ट बी सॉल्व टू कैलकुलेट द वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन फॉर ईच मास, हर मास के लिए। द सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन ऑफ मोशन। केवल हम जब सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करते हैं तो वी कैन गेट द एग्जैक्ट पोजिशन या एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द सिस्टम। इट इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ मल्टी पार्टिकल सिस्टम इज वेरल थियरम। ये यूजली यूज होती है टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी फॉर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं, इस इक्वेशन में हम टेम्परेचर डिपेंडेंट कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपके जो सिस्टम है, आपका जो सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं भी है तो भी वेरल थ्योरम हमें काइनेटिक एनर्जी की प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे देती है, चाहे पार्टिकल कितने भी डिस्क्रीट क्यों ना हो या बाउंडेड हो किसी भी पोटेंशियल सिस्टम। डीलिंग विद एन एग्जाम्पल सच एज अ सेट ऑफ कपल्ड ऑसिलेटर या हम मैनी कंपोनेंट सिस्टम ले लें, समटाइम्स बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि उसका सॉल्यूशन हम निकाल पाए या इक्वेशन ऑफ मोशन हमें मिल पाए प्रॉपरली। सो अलोंग विद इन दैट केस अलोंग विद एनालिटिकल सॉल्यूशन न्यूमरिक इंटीग्रेशन जिसको हम सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं वो भी यूज होता है। अलोंग विद दैट अ पर्टर्बेशन मेथड भी होता है जो कि समटाइम्स यूज होता है। ये मेथड जो होता है वो टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट दो तरीके इनके से होता है। और मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स इज बींग एग्जैक्टली सॉल्व विद द हेल्प ऑफ पर्टर्बेशन मेथड या पर्टर्बेशन थियरी। उसमें हम एक अलग डिफरेंट पैरामीटर ले लेते हैं जो कि आपके एक्चुअल सॉल्यूशन के जैसा ही होता है, बस उससे थोड़ा सा डिफर करता है, बहुत स्मॉल अमाउंट में डिफर करता है। तो इन सच केसेस हम उसे लेते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं, देन वी विल रीच अप टू द आवर फाइनल इक्वेशन। नाउ विल स्टडी द मैकेनिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। स्टार्टिंग विद द मैकेनिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जो इफेक्टिव फोर्स है किसी भी पार्टिकल का उसको डिफाइन करते हैं हम द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। द सिस्टम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस ऑन ए पार्टिकल, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों यहाँ आप देख सकते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों फोर्स जो है वो टोटल इफेक्टिव फोर्स बनाते हैं। Now internal force occurs in equal and opposite, यहाँ देख पाएंगे, yeah. Newton's second law अगर हम लिखते हैं हर पार्टिकल, तो internal force and external force दोनों फोर्स जो मिलते हैं यहाँ पे, it is shown here,
तो एम आई ए आई के बराबर होता है। यहाँ पे दिया हुआ है द फिगर, यू कैन सी पी आई आपका ये एक पार्टिकल है, पी आई पी जे एक पार्टिकल है। जब आप एफ आई और एफ आई जे दोनों इस पार्टिकल पर लगा रहे हैं, मतलब पी आई पर दो फोर्स लग रहे हैं, पहला तो ये एफ आई लग रहा है और एफ आई जे जो कि पी जे लगा रहा है, ये दोनों दोनों फोर्स जब इस पर अप्लाई करें तो द पार्टिकल विल मूव समवेयर। तो उस समय इस पार्टिकल पर लगने वाला टोटल फोर्स होता है इफेक्टिव फोर्स, जिसको कि आप रिप्रेजेंट करते हो एम आई ए आई से। हियर इट इज शोन एम आई ए आई। एफ आई इज एक्सटर्नल फोर्स, एफ आई जे इज इंटरनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स, मतलब कॉलिजन अगर हो रहा है और समथिंग एल्स, तो वो दोनों पार्टिकल्स का जो भी फोर्स होगा दैट इज नोन एज इंटरनल फोर्स। तो टोटल एम आई ए आई हियर इट इज शोन एम आई ए आई विल बी द इफेक्टिव फोर्स। The internal force occurs in equal and opposite, equal or opposite है, ये सारे force जो होते हैं वो equal or opposite force होते हैं, तो resultant force जो हमारा आता है वो क्या हो जाता है, zero. Here it is shown in this slide the linear and angular momentum of system of particles, and it is clear that the linear momentum of system of particle is equal to the external resultant, here it is shown, जो resultant force है उसके बराबर होता है। And talking about the angular momentum here, जब हम किसी fixed point पर लेते हैं, तो जो resultant होता है, या moment of resultant, moment resultant होता है किसी भी fixed point O पे, तो जो external force है, वो equal is equal to the rate of change of angular momentum. Now angular momentum about its center of mass अगर हम देखें, तो यहाँ हमने दो सिस्टम ले लिए, ए फ्रेम आपके जो न्यूटोनियन में फ्रेम है, ये न्यूटोनियन फ्रेम है आपका, और ये आप एक और फ्रेम लेते हैं, फ्रेम ऑफ रिफरेंस लेते हैं जो कि न्यूटोनियन नहीं है। इसमें देखा जाता है जब हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, तो जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट जी ऑफ द पार्टिकल के बराबर होता है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें, अगर हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं किसी पार्टिकल ऑफ सिस्टम पे, तो लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम दोनों ही कंजर्व होते हैं, क्योंकि हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा है कि दोनों रिजल्टेंट फोर्स के बराबर होते हैं। रिजल्टेंट फोर्स के बराबर है मतलब फोर्स जो भी लग रहा है उनके बराबर है। अगर फोर्स हमारा जीरो है या हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो आपके लीनियर और एंगुलर मोमेंटम किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के कंजर्व होंगे। ओके, नाउ हियर इट इज शोन, नेक्स्ट इज एनर्जी। हमने लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम की बात कर ली, अब आया हमारा एनर्जी। तो टोटल एनर्जी आपको पता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। अब जब आप चेंज की बात कर रहे हो या एनर्जी आप दे रहे हो, तो पार्टिकल मूव करेगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या हो गई, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी जीरो है मतलब अभी आप टोटल एनर्जी किसकी बात करोगे, ओनली अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। अगेन हमने दो फ्रेम लिए जैसे कि पहले लिए थे, आपकी वेलोसिटी लिखी, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, हियर यू कैन सी द टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव टू द सेंट्रोइडल फ्रेम, बाकी जो हमने न्यूटोनियन के अलावा जो फ्रेम दिया है उसकी एनर्जी के बराबर होगी। आपने पूरा न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ लिया, नाउ यू मे कम टू सम लिमिटेशंस, कि इसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रह गए होंगे जो कि हम निकाल नहीं पाए, या हम जो कि जो चीज़ें हम स्टडी नहीं कर सकते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स के साथ, यानी विद द हेल्प ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स, तो दे आर न्यूटोनियन मैकेनिक्स मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना को डील करता है, ये हमने स्टडी करा। एक्चुअली पूरा क्लासिकल मैक्रोस्कोपिक फिनोमेनास को ही स्टडी करता है, या मैक्रोस्कोपिक लेवल पर ही स्टडी करता है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली निकालना, जैसा कि आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में भी पढ़ते हैं, तो वो बहुत ही माइनूट सी क्वांटिटी लेते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो ये एक लिमिटेशन हो गया। सेकेंड लिमिटेशन इज
जब हम मोशन की बात करते हैं, वेलोसिटीज जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बहुत पास होती है। उस कंडीशन में आपने क्या बोला, जब आप क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हो तो स्पीड ऑफ लाइट बहुत कम होनी चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम स्पीड होनी चाहिए तभी आप स्टडी कर सकते हो। बट अगर मान लो कि वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के पास आ जाए, मतलब अप्रोक्सली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट हो, तो उस कंडीशन में हमें किसी भी फिनोमेना को पढ़ने के लिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जरूरत होती है। दिस इज ऑल्सो ए बिग लिमिटेशन ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स। अलोंग विद दैट, जब हम ट्राई करते हैं इंट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स को स्टडी करना, दो से ज्यादा पार्टिकल है हमारे, उनके इंट्रैक्शन को स्टडी करना, तो हम सारे डिटेल्स नहीं प्रेडिक्ट कर पाते हैं। सो इन सच केसेस वी नीड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स टू एग्जैक्टली नो व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन बोथ द पार्टिकल्स, या व्हेन पार्टिकल्स आर इंट्रैक्टिंग क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, या क्या वो नई थ्योरी डेवलप कर रहे हैं, या क्या और चेंजेस आ रहे हैं किसी भी चीज में, स्टडी करने के लिए हमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की जरूरत पड़ती है। सो हियर वी कैन कंक्लूड कि कंजर्वेशन एग्जैक्ट और अप्रोप्रिएट होता है। ठीक है, कंजर्वेशन लॉज जो होते हैं वो हम मैकेनिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, वो इक्वेशन ऑफ मोशंस को बहुत सिग्निफिकेंट वे में एक्सप्लेन करते हैं। बट एक और चीज, वी कैन एक्सप्लॉइट देम टू अचीव आवर ओन रिक्वायरमेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब आप जो हम कंक्लूड कर रहे हैं, तो वी कैन जस्ट समराइज व्हाट वी हैव स्टडी। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट लिया हमने, पॉइंट मास है वो, ठीक है, वो मोशन कर रहा है, तो वो कैसा मोशन करेगा, ट्रांसलेशन मोशन करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा, या ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन करेगा, एनी गेसेस? सो आई विल टेल यू, जब आप एक पॉइंट मास की बात करते हैं तो उसका रोटेशन तो होगा बट उसके एक्सिस पर ही होगा, एंड इट इज वेरी माइन्यूट एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी दिस माइन्यूट रोटेशन, सो इट विल ओनली डू ट्रांसलेशन मोशन। अब आप कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट की बात कर लो, जब आप किसी प्रोजेक्टर या रिजिड बॉडी की बात करते हो तो उसका जो मोशन होता है वो कॉम्बिनेशन होता है आपके सेंटर ऑफ मास के अगेंस्ट जो प्रोजेक्टाइल है उसका प्लस उसके एक्सिस पे रोटेशन का। तो जब आप प्रोजेक्टाइल का सेंटर ऑफ मास पे देखते हैं मोशन, तो आप रोटेशनल कंसिडर नहीं करते हैं, क्या कंसिडर करते हैं, केवल ट्रांसलेशन। ओके, केवल ट्रांसलेशन का ट्रांसलेशन करते हैं या रोटेशनल कंसीडर नहीं करते हैं। पर जब आप उसके एक्सिस पर रोटेशन कंसीडर करते हैं तब आप ट्रांसलेशन कंसीडर नहीं करते, तो इस केस में आप सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? तो आपने एक एग्जांपल लिया, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया छोटा सा, आपने दो पार्टिकल एक सिस्टम दिया जिसमें दो पार्टिकल्स हैं, एक का मास m1 है दूसरे का m2 है। आप ये देख सकते हैं m2 हमने थोड़ा सा बड़ा लिया है एज कम्पेयर टू m1, so m2 is equal to twice of m1. We will take a point C जहां से आप उनका movement या rotation देखेंगे। उस reference point C को हम मानेंगे center of mass या reference point जहां से आप उनका motion check कर रहे हो। So हमने एक cartesian coordinates ले लिए, cartesian coordinate लिया, position हमें C पे निकालना है। ठीक है, तो RCM मतलब आपका RCM क्या हुआ, आपने बहुत पहले जो सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन पढ़ी थी वो क्या थी, 1 अपॉन m समेशन ऑफ MIRI, वही हमने यहाँ पे लिखा है। 1 अपॉन m मतलब टोटल मास, टोटल मास क्या है, 1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, एंड समेशन ऑफ MIRI मतलब सारे मास और r का सम, तो m1 r1 प्लस m2, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ मास इक्वेशन। फिर नेक्स्ट हमने, अगर हम इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करते हैं xm की, एक पोजीशन पे, x पोजीशन पे, x एक्सिस पर, तो हमने क्या निकाल लेंगे, m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2, सिमिलरली y की निकाल लेंगे। अब जहां आपका सेंटर ऑफ मास किसकी तरफ होगा, उसकी तरफ होगा
जहां पर मास ज्यादा होगा, तो b is bigger, so center of mass will be here near to b somewhere. इसी तरह से हम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन भी दिखा सकते हैं. वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन पोजीशन विद टाइम. सो जहां हमने एक्स वन एक्स टू लिया था वो पोजीशन की बात की थी, यहां हम उसी जगह वेलोसिटी वी वन एंड वेलोसिटी वी टू की बात करेंगे. अगेन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? द चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम. तो जहां जहां हमने v1 एंड v2 लिया था उधर हम a1 एंड a2 ले लेंगे. अगेन ये तो सिंगल पार्टिकल हो गया, वी विल डील विद मल्टी पार्टिकल सिस्टम हियर. सो द टोटल मास इज द समेशन ऑफ इंडिविजुअल मासेस दैट इज कंसीडर्ड एज mm. सो ईच पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स लोकेशन rn, इट्स वेलोसिटी vn एंड इट्स एक्सीलरेशन a n we have considered. The center of mass for such a system can be defined by in a similar way as we have studied before. RCM is there, we are having only two particles, so we have written up to here this much. Now we are having up to n the particles, so we are writing m1r1 plus m2r2 plus mnrn etc. upon the sum of the total mass m1 m2 plus mn. Okay, so this m1 plus m2 mn, this will be the total mass m. m1 m2 mn we can write mn, r1 r2 rn so we can write rn. The center of mass is same for a system of particles or for a single particle. We can summarize our result here that the overall translation motion of a system of particles, the overall motion, अगर हम बात करते हैं translational motion की किसी भी system of particle का, वो हम Newton's के law से easily निकाल सकते हैं. अगर हम सारे mass को एक particular mass point पर concentrate कर दें और उस point को हमने क्या बोला है, center of mass. Okay, and total external force, हम जो टोटल फोर्स है वो उसी पॉइंट पे अप्लाई करें. इस स्टडी से आप किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के बारे में या उसकी मैकेनिक्स के बारे में स्टडी कर सकते हो. हमने क्या बोला, हम सेंटर ऑफ मास एक जगह ले रहे हैं. जब आप न्यूटन्स के लॉ की बात करते हो तो मास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आपने क्या लिया, एक सेंटर लिया जहाँ पे पूरी बॉडी का मास है. उस मास को आपने फोर्स दिया तो वो डिस्प्लेस होगा. दिस इज न्यूटन्स लॉ व्हाट डील्स विद. Now these are some topics, you can go through it to more clearly understand the topic of Newtonian mechanics of single and multiparticle and also about the conservation laws. Now you may assess yourself. So we will start our questioning here. First, the force that produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass of 1 kg is called. क्या बोलोगे आप? आपका न्यूटन्स लॉ पढ़ा है आपने, न्यूटन्स सेकंड लॉ, F is equal to m into a. F is equal to m into a मतलब मास into acceleration. अब फोर्स आपका दिया नहीं है, यहाँ पे आपको क्या है, केवल 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मास एक्सेलरेशन दिया हुआ है. मास 1 kg दैट इज 1 into 1, सो योर आंसर विल बी 1 न्यूटन. ओके, नेक्स्ट, द एक्सेलरेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ 50 न्यूटन फोर्स इन अ मास ऑफ 8 kg विल बी इक्वल टू, क्या होगा? तो एक्सेलरेशन जो हमने प्रोड्यूस किया है वो a, मतलब कितना है 50 न्यूटन फोर्स के थ्रू, वो क्या होगा, ए निकालना है आपको. एक्चुअली फोर्स दिया हुआ है, अगेन हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे. एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज 50 न्यूटन, एम इज 8 kg, सो ए विल बी एफ अपॉन एम दैट इज 15/8, सो योर आंसर विल बी 1.87 मीटर पर सेकेंड. When a net force acts on a body
इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, जब आपने कोई फोर्स अप्लाई किया किसी बॉडी पे उसमें एक्सेलरेशन हुआ, इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो इन्होंने ये बोला कि जब हमने किसी बॉडी को बॉडी के ऊपर आपकी किसी बॉडी के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ उसी डायरेक्शन में जिसमें हमने फोर्स लगाया था, वो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस फोर्स के, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। अब आप देखो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, मतलब ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ अपॉन एम। तो अभी हमने ऊपर ही इसी को लेके क्वेश्चन सॉल्व किया था, एम एफ अपॉन एम इज इक्वल टू ए, सो दिस इज न्यूटन फोर्थ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ मास ऑफ अ बॉडी मल्टीप्लाई विथ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, सेम क्वेश्चन है इसमें, मास एम दिया है एक्सेलरेशन ए, तो एम इंटू ए क्या होता है फोर्स होता है। अगेन द सेंटर ऑफ मास दैट इज द एक्चुअल फिजिकल पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इन स्पेस रिलेटिव टू द फिजिकल सिस्टम, इट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ, द सेंटर ऑफ मास एक्चुअली में क्या होता है। इन्होंने बोला है द एक्चुअल पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन स्पेस रिलेटिव टू द फिजिकल सिस्टम क्या होता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, फंक्शन होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम का, या इंडिपेंडेंट होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, या डिपेंडेंट होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, या बोथ, इंडिपेंडेंट भी होता है और फंक्शन भी होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम का, या नाइदर इंडिपेंडेंट होता है नॉर फंक्शन होता है सिस्टम। तो एक्चुअली इस केस में आंसर आई हैव गिवन इज अ सिंगल आंसर, बट इसके दो आंसर भी हो सकते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पर दिस ऑप्शन कुड बी करेक्ट, ये भी सही हो सकता था, बट इसमें नाइदर इंडिपेंडेंट नॉर फंक्शन दिया है, बट इट इज ए फंक्शन, फंक्शन होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम का लेकिन इंडिपेंडेंट होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम की। ओके नेक्स्ट, वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए हुप, एक आपने हुप लिया उसका सेंटर, हुप इज एक्चुअली ए रिंग, ए टाइप ऑफ रिंग, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, एट द एंड ऑफ द हुप, तो एंड तो हम बता नहीं सकते हैं, टॉप ऑफ द हुप वो भी नहीं बता सकते, लेफ्ट साइड ऑफ द हुप वो भी हम नहीं बता सकते हैं, नो वेयर सिंस ए सेंटर ऑफ मास मस्ट बी फिजिकली इनसाइड एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑन द एक्सिस ऑफ द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द हुप, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा एक्चुअली, क्या होगा, ऑन द एक्सिस ऑफ द हुप एट ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द हुप। नेक्स्ट, व्हाई डू इंटरनल फोर्सेस नॉट अफेक्ट द सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, आपका जो इंटरनल फोर्सेस है वो मास, जब हमने ये बोला जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो आपका मास डिस्प्लेस होता है, मास डिस्प्लेस मतलब उसमें एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अब आपने ये भी जब आपने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात की तो आपने बोला वहाँ इंटरनल फोर्स भी होता है, तो जो इंटरनल फोर्स है वो क्यों नहीं अफेक्ट करता है, दिस इज बिकॉज जब सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, सबके इंटरनल फोर्स होते हैं, तो वो एक दूसरे के फोर्सेस को कैंसल आउट कर देते हैं, इसलिए वो आपके सिस्टम पे किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। अदरवाइज अगर आप एक सिंगल पार्टिकल की बात करो तो उसका इंटरनल फोर्स जो आपने जैसे कि आपने देखा था उसका इंटरनल फोर्स जो होगा वो कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगा, जो इफेक्टिव फोर्स होगा उसका एक्सटर्नल प्लस इंटरनल फोर्स होगा, बट यहाँ पे हम केवल एक्सटर्नल फोर्स लेते हैं बिकॉज जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं वो टोटल एक दूसरे को आपस में कैंसल आउट कर देते हैं, इसका आंसर है दे कैंसल आउट पेयर वाइज,
Because any internal force acting in some direction on one part of your body would produce an equal but opposite force acting on another part. So in this way, they will cancel out each other. So thank you so much for watching this video. Hope you learned a lot and go through the references to more clearly understand the topic. Thank you very much.